अगर आपका बर्थडे हो और आपके स्टूडेंट्स आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर दें, आपके लिए केक लाएं और गिफ्ट लाएं, तो कितना अच्छा लगता है। एक मेरी प्यारी सी बच्ची मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है और अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं उसका खुरापाती माइंड क्या कर रहा था, क्या लेके आई है। वैसे खुरापाती माइंड है उस बच्चे का, हमें पता है ये बात। एफ एन पी क्या है? एफ एन पी का केक। ओह लेट मी चेक। एफ एन पी थैंक यू सो मच। तुम्हें याद था मेरा बर्थडे? ये मेरे पास और स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट वाले नहीं हैं। क्या करके लाई है? ये कुछ करवा के लाई है ना ऐसे? वो नोट हैंड रिटन है। अच्छा, नोट को भी पढ़ेंगे अभी। भाई क्या करवा के लाई है ये? ओ ब्रो क्या है इसमें? वाओ थैंक यू सो मच। ये पता था मुझे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। वाओ लवली कप, थैंक यू सो मच बेटा। एक नोट भी है ना, वो हैंड रिटन नोट भी गया हमारा। एक इधर मिला, इधर। इसकी पैकिंग भी जबरदस्त है। क्या लिख रखा है इसमें? डियरेस्ट उषा मैम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड शावर योर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड फुलफिल ऑल योर विशेस। मैम यू आर ट्रू इंस्पिरेशन एज यू हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल अ लॉट, स्टिल नेवर लॉस्ट होप एंड यू हैड ऑलवेज वर्क्ड हार्ड। थैंक यू। बहुत अच्छा सा बच्चे ने कोटेशन लिखवाई है। थैंक यू सो मच। जिंदगी के अंदर ऐसे बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे इंस्पिरेशन बन के आते हैं। एक टीचर के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होता है कि उसके बच्चे उसका रिगार्ड करें, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये मेरा एक ब्रो है, एक प्यारी सी बच्ची है, उसको मैं ब्रो बोलती हूँ। ये देखो ये वो लेके आई है। थैंक यू सो मच दोनों बच्चों को। और मैं कभी भी वीडियो में बच्चों को नहीं लाती हूँ सामने, आप समझ सकते हैं, बट उनकी मैसेज। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।